गुड मॉर्निंग कमर्सियस, मैं आप सभी का दोस्त शुभम आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल द कमर्सियन पे। दोस्तों इस चैनल पे हम कमर्स से रिलेटेड डिफरेंट टॉपिक्स पे लगातार वीडियोस बनाते हैं, तो अगर आपको वीडियोस अच्छी लगे, अगर आपको चैनल अच्छा लगे तो आप ये जरूर करें। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं न्यू प्रॉफिट सेविंग रेशियो के बारे में, जानेंगे कौन कौन से स्टेप्स कौन कौन से प्रोसेसेस हमें फॉलो करने पड़ते हैं इसके कैलकुलेशंस में। लेकिन उससे पहले अगर आप ये नहीं जानते कि रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर या डेथ ऑफ पार्टनर क्या होता है या उसके अंदर कौन कौन से समेशंस या रिडक्शंस हमें करने होते हैं, तो आप हमारा पिछला वीडियो देख सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना किसी देरी के। तो सबसे पहली बात है दोस्तों कि हम जानेंगे कि रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स हम पढ़ने वाले हैं। तो जो हमारा पहला टॉपिक है वो है न्यू प्रॉफिट सेविंग रेशियो एंड गियरिंग रेशियो, जिसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। द सेकंड वन विल बी ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, उसके बाद रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, अनरिकॉर्डेड एसेट्स एंड लायबिलिटीज, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्युमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस, शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अप टू द डेथ ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, सेटलमेंट ऑफ द अमाउंट ऑफ द रिटायरमेंट और डिसीज। अब आपके मन में एक सवाल उत्पन्न हो रहा होगा कि आखिर ऐसा क्यों, आपने इन चीजों को क्यों पढ़ा, क्यों बताया। तो दोस्तों एक छोटी सी बात है कि इन सभी को भी हम पहले भी पढ़ चुके हैं एडमिशन ऑफ ए पार्टनर में, और हम पढ़ने वाले हैं रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर में कुछ चेंजेस के साथ। तो अगर आप इन चेंजेस को याद रखते हैं तो आपके लिए दोनों ही चैप्टर्स याद रखना आसान हो जाता है, आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ती। तो आपकी आसानी के लिए आप दोनों ही चैप्टर्स के अंतर को समझते हुए पढ़ें ताकि याद करने की जरूरत ना पड़े, रटने की जरूरत ना पड़े। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो न्यू प्रॉफिट सेविंग रेशियो के साथ। तो दोस्तों न्यू प्रॉफिट सेविंग रेशियो क्या होता है? तो जब हम एडमिशन ऑफ पार्टनर में पढ़ते थे और जब रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में पढ़ेंगे, दोनों में अंतर इतना है कि एडमिशन ऑफ पार्टनर में एक पार्टनर जुड़ता था तो प्रॉफिट को बांटने के लिए एक नया शेयर सेविंग रेशियो बनाते थे जिसको न्यू प्रॉफिट सेविंग रेशियो कहते थे। अब जब पार्टनर रिटायर करेगा, पार्टनर छोड़ के जाएगा, तब फिर से एक नया सेविंग रेशियो बनेगा जिसको हम न्यू प्रॉफिट सेविंग रेशियो कहेंगे। दोस्तों आज हम न्यू प्रॉफिट सेविंग रेशियो को तीन केसेस में बांट के पढ़ेंगे। द वेरी फर्स्ट विल बी नो चेंजेस फॉर, मतलब ऐसा केस जिसमें किसी प्रकार का कोई चेंज ही ना आए। मान लीजिए एक फर्म के तीन पार्टनर ए बी सी तीनों 5:3:1 में बांटते हैं, जो हमारा प्रॉफिट है उसको 5:3:1 में बांटते थे। उसमें से जो बी वाले थे ये छोड़ के चले गए, ये फर्म को छोड़ के चले गए, लेकिन अब जो रेशियो है वो 5:1 है। मतलब पहले भी ए और सी 5:1 में बांटते थे, अब भी ए और सी 5:1 में बांटते हैं। तो इस केस में हम ये समझते हैं कि कोई भी चेंज प्रॉफिट सेविंग रेशियो में नहीं आया। तो एक केस ये हो सकता है कि प्रॉफिट सेविंग रेशियो में कोई चेंज ना आए। द सेकेंड वन विल बी कि ओल्ड शेयर को एक्वायर किया जाए। कहने का अर्थ है कि मान लीजिए एक फर्म के तीन पार्टनर्स हैं और तीनों पार्टनर्स अपने प्रॉफिट को 5:3:2 में बांटते थे। कुछ दिनों बाद ए और ए बी सी में से बी जो है फर्म को छोड़ के चले, बी अब उस फर्म का हिस्सा नहीं, तो बी का जो तीसरा हिस्सा था, जो शेयरिंग का तीसरा हिस्सा था, उसको ए और सी बांटेंगे 2:1 में। 2:1 इस रेशियो में वो बी के थर्ड हिस्से को बांट लेंगे। तो दोस्तों यहां पे आपको कैलकुलेशन थोड़े से ज्यादा करने पड़ते हैं और समझना पड़ता है कि अब ए को बी का कितना हिस्सा मिलेगा और सी को ए का कितना हिस्सा मिलेगा। तो इन सभी चीजों को समझने के बाद हमें आसानी से पता चल जाता है कि ए का टोटल रेशियो अब क्या है। समझते हैं यहां पे कि यहां पे जब हम बी के रेशियो को पहले बांटेंगे, बी का 3 था तो बी का रेशियो बटेगा ए और सी में, किस रेशियो में, 2:1 में। तो बी का रेशियो जब ए के पास जाएगा सेकेंड रेशियो में, ध्यान दें 2 रेशियो में, 2:2 में जाएगा। बी का पहले से 3 था, 3 का हो गया तो 3/10 लिखे हम, बहुत बढ़िया, क्योंकि इसका दूसरा हिस्सा मिलने वाला है तो 2:3 यहाँ पे है, 2:1 है, सॉरी 2:1 है, टोटल इज इक्वल टू 3, 2/3, मतलब ए को 3
थ्री का अब मिलने वाला है 1/5। ध्यान देंगे दोस्तों, थ्री को मिलता था जो जो बी को थ्री थर्ड पार्ट मिलता था उसमें से अब 1/5 हिस्सा किसको मिल जाएगा, ए को मिल जाएगा। तो ए के पास पहले से कुछ था, अब कुछ और हो गया, टोटल मिला के एक नया जो रेशियो आएगा वो होगा इसका नया प्रॉफिट सेविंग रेशियो। ध्यान दे दोस्तों कि अगर मान लीजिए ए के पास पहले से 20 रुपए थे, उसे 30 रुपए और दे दिए गए, टोटल कितना हो गया 50। दिस विल बी द न्यू अमाउंट दैट बी दैट ए है। दोस्तों उसी तरह आपको कमेंट करके बताना है कि बी का, ध्यान दे, बी का कितना शेयर अब होगा। आपको कमेंट करके बताना है कि बी का कितना शेयर इसमें अब बनेगा। साथ में फॉर्मूला जैसा कि बहुत सिंपल है, लॉजिकल है कि अब न्यू बुक शेयर ऑफ कंटिन्यूइंग पार्टनर इज इक्वल टू ओल्ड शेयर प्लस एक्वायर्ड पार्टनर, मतलब उनके पास जितना पहले से था और अब जितना है दोनों को जोड़ दे। जैसा कि हमने किया है कि बी के पास अब हो गया 1/5 जो एक्स्ट्रा है, पहले से ए के पास अब हो गया 1/5 और 5/10 जो कि पहले से उनके पास था, 5/10 पहले से उनके पास था, तो टोटल विल बी 7/10। तो अब आपको बताना है कि जो तीसरे पार्टनर बचे हुए हैं सी, उनका कितना रेशियो है, इस बात को आप हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। अब दोस्तों बढ़ते हैं केस थ्री की तरफ। दोस्तों कई बार होता है कि पार्टनर्स ये डिसाइड करते हैं कि पूरे प्रॉफिट को बांटने के लिए ना हम उसी प्रॉफिट को यूज करेंगे, जिस पुराना वाला ओल्ड प्रॉफिट रेशियो को यूज नहीं करेंगे, ना ही हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे नए वाले को, हम सीधे ही एक नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तैयार कर लेंगे, एक अलग, बाकी टाइम से अलग। तो इसको हम समझते हैं केस थ्री में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इफ दे डिसाइड टू शेयर द प्रॉफिट इन अ टोटली डिफरेंट रेशियो, अगर पूरी तरह से रेशियो को बदल दिया जाए तो ये हो जाता है हमारा नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। दोस्तों एक और चीज हमें यहां पर ध्यान देनी है कि गेनिंग रेशियो क्या होता है। तो गेनिंग रेशियो की बात करें तो गेनिंग रेशियो वो रेशियो है जब हम पुराने वाले नए वाले शेयर में से पुराने वाले शेयर को घटा दें। मान लीजिए किसी फॉर्म में मेरा पहला शेयर था 5, हमको 5 शेयर मिलता था, मान लीजिए 5 पॉइंट का शेयर हमको मिलता था, अब हमको मिलता है 7। ध्यान दें क्या है 7, तो अब हमारा गेन कितना हुआ, तो 2 पॉइंट का हम गेन कर गए, 2 पॉइंट हमें अब एक्स्ट्रा मिलते हैं, तो ये जो 2 पॉइंट है ये हुआ हमारा गेनिंग रेशियो, ये हमारा हुआ गेनिंग पॉइंट। ध्यान दे दोस्तों जब हम एडमिशन पढ़ते थे तो हम पढ़ते थे सैक्रिफाइसिंग रेशियो, आज हम क्या पढ़ रहे हैं गेनिंग रेशियो। ध्यान दे पहले हम पढ़ते थे सैक्रिफाइसिंग रेशियो, दोस्तों आज हम पढ़ रहे हैं गेनिंग रेशियो, पहले ओल्ड में से नए को घटाते थे अब न्यू में से ओल्ड शेयर को घटाते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, किसी भी टॉपिक में किसी भी पॉइंट में कोई भी प्रॉब्लम हो हमें कमेंट करके जरूर बताएं, हम हर मुमकिन प्रयास करेंगे उसको सॉल्व करने का। तब तक के लिए धन्यवाद।